वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं पहली बार एरोप्लेन पे चढ़ा और किस्मत से मुझे विंडो सीट मिल गई। और वहाँ से नीचे देख के ज़्यादा टाइम ये पता चलता है कि जो एरोप्लेन होते हैं उन्हें बादलों के ऊपर उड़ाया जाता है। पर क्यों? एरोप्लेन्स को या तो बादलों के साथ भी उड़ाया जा सकता है या फिर बादलों के नीचे भी उड़ाया जा सकता है, पर ऐसा क्यों होता है कि एरोप्लेन्स को हमेशा बादलों के ऊपर उड़ाया जाता है? और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो हे गाइस, वेलकम टू मिनट साइंस, एक साइंस सीरीज जिसमें हम एक छोटे से साइंस क्वेश्चन का आंसर देते हैं एक या दो मिनट में। तो शुरू करते हैं। तो एरोप्लेन्स को बादलों के ऊपर उड़ाने का बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा रीजन होता है फ्यूल्स को बचाने के लिए। जो एयर होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हवा के अलावा, और जब हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो सारे पार्टिकल हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बादल होंगे, बादल में एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, वहाँ पानी भी होगा। तो अगर प्लेन बादलों के साथ या बादलों के नीचे चलेगा तो प्लेन को बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा उड़ने के लिए। लेकिन अगर वहीं प्लेन बादलों के ऊपर चलता है जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो प्लेन को बहुत कम फ्यूल का यूज करना पड़ेगा, और इसीलिए हमेशा एरोप्लेन्स को बादलों के ऊपर ही उड़ाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और साइंस के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है तो आप द लॉजिकल टॉक को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।